हेलो स्टूडेंट, आज के बी एड फिजिकल एजुकेशन में हमने टॉपिक रखा है शारीरिक शिक्षा का महत्व। और शारीरिक शिक्षा के महत्व को हम 20 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हुए रखेंगे। सबसे पहले व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास, तंत्रिका पेशीय विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, नैतिक विकास, अभिव्यक्ति का माध्यम, सहयोग की भावना का विकास, अवकाश के समय का सही उपयोग, व्यक्तिक एवं सामाजिक समायोजन का विकास, समन्वय एवं कार्य विभाजन का विकास, स्वास्थ्य आदतों का विकास, नेतृत्व गुणों का विकास, नैतिक गुणों का विकास, आर्थिक उपादेयता का विकास, जीविकोपार्जन के योग्य बनाना, नागरिकता के गुणों का विकास, राष्ट्रीय एकीकरण का विकास, अंतरराष्ट्रीय अवबोध का विकास और सामाजिक चेतना का विकास। इन प्रमुख 20 बिंदुओं पर शारीरिक शिक्षा के महत्व को समझा जा सकता है। सबसे पहला शारीरिक शिक्षा का जो महत्व है वो प्रमुख बिंदु के रूप में आता है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत मुख्य रूप से शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आर्थिक विकास को रखा जाता है, क्योंकि अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है अथवा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है तो आपका व्यक्तित्व अधूरा माना जाता है। इसलिए शरीर से, मन से और आर्थिक रूप से संपन्न होना ही सर्वांगीण विकास का आज के समय के परिप्रेक्ष्य में उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि आज समय की ये मांग है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, मानसिक रूप से स्वस्थ हों और आर्थिक रूप से भी सक्षम हों, तभी आप वास्तविक रूप से एक योग्य व्यक्ति या व्यक्तित्व, अच्छे व्यक्तित्व के धारण करने वाले माने जाते हैं। बौद्धिक विकास से तात्पर्य है बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य करते हुए जीविकोपार्जन करना और अपना, अपने परिवार का समयबद्ध तरीके से उन्नति में योगदान करना। अगर आप बुद्धिमत्ता का प्रयोग सही समय पर नहीं करेंगे तो आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाएंगे, इसलिए बुद्धि का उपयोग करते हुए सही निर्णय लेना चाहेंगे और अपना आर्थिक सामाजिक विकास करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये शारीरिक शिक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इसके महत्व को बतलाते हैं। तंत्रिका पेशी विकास, शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य या महत्व इस बात में माना जाता है कि व्यक्ति की तंत्रिकाओं और उसकी पेशियों का समग्र रूप से, उचित रूप से विकास सुनिश्चित हो सके। सामाजिक विकास, शारीरिक शिक्षा का महत्व इस बात में अधिक है कि आप जब शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो सामाजिक विकास में भी एक अहम योगदान दे पाते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो समाज से भी आप कट जाएंगे और उस समय समाज में आपका योगदान अधूरा रह जाएगा। भावनात्मक विकास से तात्पर्य है व्यक्ति का भावनाओं में ना बहना बल्कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए सही समय पर सही भावना को उत्तरदायी रूप में प्रदर्शित करना। नैतिकता के विकास से तात्पर्य है शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सामान्यतया नैतिक रूप से भी स्वस्थ होता है, संपन्न होता है और वह नैतिक और अनैतिक में भेद करना सीखता है, जिससे कि वह नैतिकता पूर्ण कार्य करके समाज में अपनी उन्नति को निश्चित कर पाता है। अभिव्यक्ति का माध्यम, शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने आप को सही तरीके से दूसरों के सामने पेश कर पाता है, जिससे कि व्यक्ति के जो कार्य हैं वो शीघ्रता से पूर्ण हो जाते हैं और उचित रूप में शारीरिक संगठन, शारीरिक स्वस्थता अपनी अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। सहयोग की भावना का विकास होता है, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो समाज के हित में जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और समाज की उन्नति में भाग ले पाएंगे। अवकाश के समय का सही उपयोग शारीरिक शिक्षा को ग्रहण करना माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से आप अपने
खेल, मनोरंजन, हास्य, विनोद जैसी गतिविधियों में शारीरिक रूप से भाग लेते हैं और किसी भी एक क्रियाकलाप में उत्कृष्ट श्रेष्ठता प्राप्त कर लेते हैं। आगे चल के लोग खेल एवं मनोरंजन में जिस भी भाग में वो श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं तो उसको प्रतियोगिता के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करना सीखते हैं और देश और राष्ट्र के लिए गौरव का कारण बनते हैं। व्यक्तिक एवं सामाजिक संयोजन, जिस व्यक्ति का उचित रूप से शारीरिक संगठन होता है वह व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से अपना समायोजन या अनुकूलन आसानी से कर लेता है और समाज के उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने में सक्षम हो पाता है। समन्वय एवं कार्य विभाजन, जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं समाज में उनको कुछ निश्चित कार्य दिए जाते हैं, परिवार में भी उनको कुछ निश्चित कार्य दिए जाते हैं और उनके कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है जिससे वो उचित रूप से समन्वय स्थापित कर पाते हैं। स्वास्थ्य आदतों का विकास, शारीरिक शिक्षा प्राप्त करने का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि व्यक्ति स्वास्थ्य से संबंधित आदतों को निश्चित दैनिक क्रियाकलाप में अपनाए ताकि वह हमेशा शारीरिक रूप से स्वस्थ बना रहे। नेतृत्व के गुणों का विकास से तात्पर्य है जब व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो वह अपने कार्यों को सही समय पर कर पाएगा, उचित रूप में कर पाएगा, तो निश्चित रूप से लोग उसे एक नेतृत्वकर्ता या लीडर के रूप में चुनने के लिए बाध्य हो जाएंगे। नैतिक गुणों का विकास से तात्पर्य है व्यक्ति में सदाचार के गुणों का विकास होना ताकि वह किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से शोषण ना करे बल्कि उनको अधिक से अधिक प्रोत्साहन दे ताकि वह अपनी फील्ड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपना प्रदर्शन सुनिश्चित करें। आर्थिक उपादेयता, आज के समय में किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप का अगर कुछ आर्थिक परिदृश्य नहीं है तो वह कार्य अधूरा माना जाता है, चाहे वह खेल हो, चाहे मनोरंजन हो, चाहे कोई शारीरिक क्रियाकलाप हो, हम उससे कुछ ना कुछ आर्थिक लाभ चाहते हैं। तो शारीरिक शिक्षा का महत्व इस बात में अधिक है कि हमें उससे कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त हो। जीविकोपार्जन के योग्य बनने से तात्पर्य है हम शारीरिक शिक्षा ग्रहण करके आज के समय में योग शिक्षक, शारीरिक शिक्षक की डिग्रियां प्राप्त करके या सर्टिफिकेट प्राप्त करके कुछ ना कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिससे हम आसानी से अपनी जीविका चला सकते हैं। नागरिकता के गुण, आज के समय में एक योग्य नागरिक राष्ट्र की संपत्ति माना जाता है और अगर जिस राष्ट्र के पास जितने अच्छे राष्ट्रभक्त, देशभक्त नागरिक, स्वस्थ नागरिक होते हैं वह राष्ट्र शक्तिशाली होता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए ताकि वह राष्ट्र से संबंधित, एक नागरिक से संबंधित अपने कार्यों को पूर्ण कर सके। राष्ट्रीय एकीकरण से तात्पर्य है आज खेल, मनोरंजन, हास, परिहास, नृत्य, गायन, वादन, कला इत्यादि के माध्यम से एक देश दूसरे देश को और देश के अंतर्गत आने वाले राज्य भी एक दूसरे को जोड़ने में लगे हुए हैं। इससे राष्ट्र की भावना का, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास होता है और हम एक दूसरे को समझते हैं और उनके नए विचारों को या नवाचारों को ग्रहण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध से तात्पर्य है विभिन्न राष्ट्रों के लोगों को जानना, उनकी शारीरिक शिक्षा से संबंधित आदतों को जानना और अपने विकास में उनका उपयोग करना ताकि ना सिर्फ एक देश से दूसरे देश का संबंध और प्रगाढ़ हो जाए बल्कि आप अधिक से अधिक शारीरिक शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकें। सामाजिक चेतना से तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति के राष्ट्र के प्रति और अंतर्राष्ट्रीय देशों के प्रति भी कुछ कर्तव्य, अधिकार और स्थान सुनिश्चित होते हैं। तो अगर आप वास्तविक रूप से चैतन्य व्यक्ति हैं तो आप अपने आप को मनसा वाचा कर्मणा शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने का प्रयास करेंगे जिससे आपके अंदर सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना और अंतर्राष्ट्रीय चेतना का विकास होगा और आप अपने लिए, परिवार के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए और पूरे संसार के लिए कुछ अच्छा जीवन में कर पाएंगे। इसीलिए शारीरिक शिक्षा का इन सभी बिंदुओं पर महत्व देखा जाए तो व्यक्ति के कुछ निश्चित कर्तव्यों,
अधिकारों और उसके स्थान से संबंधित माना जाना चाहिए। इसीलिए एक वास्तविक रूप से सार्वजनिक से शिक्षित व्यक्ति वह है जो अपने कर्तव्यों को समझता है, जो अपने अधिकारों को जानता है और वह अपने स्थान को भी पहचानता है कि इस संसार में उसका स्थान कहाँ है, तभी वह अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।